नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। CIA स्टाफ जालंधर की टीम ने दो नशा तस्करों को किया काबू, 510 ग्राम हेरोइन की बरामद। नाभा के बोड़ा गेट के नजदीक 6 नौजवानों ने स्ट्रीट कैफे में घुसकर 3 युवकों को किया घायल, उपचार हेतु सिविल अस्पताल में भर्ती। जालंधर के बस्ती शेख स्थित इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने, चाचा ने 6 वर्षीय बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। और अब हलचल विस्तार से। CIA स्टाफ कमिश्नरेट जालंधर की ओर से कार्यवाही करते हुए पहले से दर्ज केसों में शामिल दो नशा तस्करों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए DCP जसकिरणजीत सिंह तेजा ने बताया कि CIA स्टाफ के इंचार्ज अशोक कुमार ने 2 आरोपियों को काबू किया है, जिनकी पहचान लवजीत सिंह उर्फ लब्बू निवासी मोहल्ला मानावाला खू नजदीक पीर बाबा घोड़े शाह जंडियाला गुरु और विश्वास कुमार निवासी मोहल्ला जंजघर नजदीक जोड़ा फाटक जिला अमृतसर के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 510 ग्राम हेरोइन भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है, ताकि उनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। CP जलंधर भूपती सर होर जो गाइडलाइन सानू है जो ऑलरेडी पंजाब सरकार ने भी ये वास्ते बड़ी दिशा निर्देश क्लीयर दिती है कि ड्रग्स और जिन्हें गैंगस्टर इन्हों के खिलाफ एक मुहिम चल रही है वो लड़ी में ही ऑलरेडी साढ़े ADCP कमलप्रीत तो ACP परमजीत इंचार्ज CIA सब इंस्पैक्टर अशोक कुमार इन्होंने एक अच्छा काम किया। एक मुकदमा साढ़े ऑलरेडी 8 नंबर डिवीजन के एक 225 नंबर मुकदमा जो 6/9/2022 में 21-65 700 ग्राम हेरोइन फड़ी थी वो लड़ी के ही ये 2 बंदे इन्होंने होर गिरफ्तार किए हैं जेड़े कि तरन तारण के रहने वाले उन्होंने कोलों 510 ग्राम हेरोइन होर बरामद की है, तो उन्होंने गिरफ्तारी पाई है। हम मानयोग कोर्ट च पेश करके इस तरह इस मुकदमे के बैकवर्ड तो फॉरवर्ड लिंकिंग डिवेलप करके तो होर अगली जी कार्रवाई कर जलंधर के किया, बट ऑलरेडी जरा तरन तारण के रहने वाले सारी पार्टियां ने उतो जो तरन तारण तो भी इन्हों का काफ़ी जरा इन्हों चेज चूज करके तो फिर उस बाद ट्रैप लगे जलंधर कि रहे हैं ये जलंधर के लिंक से क्योंकि पहलों ही 700 ग्राम जी हीरोइन जी फड़ी गई थी ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤੇ ਵਾਂਟਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਕਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਕੀ ਘਟਨਾਏ ਵੱਧਤੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਨ ਵਾਰਦਾਤੋਂ ਕੋ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਸੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾਭਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕ ਬੋੜਾ ਗੇਟ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, जहां स्ट्रीट कैफे की दुकान में घुसकर लगभग 6 नौजवानों द्वारा हथियारों से लैस होकर दुकान के मालिक और 2 नौजवानों को बुरी तरह से घायल कर दिया गया। वहीं यह सारी घटना स्ट्रीट कैफे में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बदमाशों द्वारा सरेआम बेखौफ होकर हमला कर नौजवानों को बुरी तरह से घायल कर दिया गया है, जिसके बाद घायल 3 नौजवानों को नाभा के सरकारी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। मैं कैफे विच थी ते बाहर मैं गल करदा पिया हां ते 4-5 मुंडे मेरे लोग अंदर आए ने कैफे विच आए उन्हां कोल हथियार ते मैं अंदर आए मैं कहा भाई की गल होगी ते ओह कहंदे भी मुंडा किथे आ उदों पहलां इक मुंडा आया ते ओह भी घबराया होया थी आके कहंदा फिर बर्गर की रेट मैं कहा भाई इन्ने इन्ने देने ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆਏ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਫੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਰ ਪੁੱਛ ਬਰਗਰ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਭੇ ਦੀ ਨੇ ਜੀ ਬੋੜਾ ਗੇਟ ਦੀ ਨੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋੜਾ ਗੇਟ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੱਗ ਡੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਬਰਗਰ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਘਬਰਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ
7 ਜਾਂ 8 ਜਾਣੇ ਸੀ ਸਰ ਉਹ ਲਵੇ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਬੋੜਾਂ ਗੇਟ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਛੋਟੀ ਸੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 2-3 ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਬਾਕੀ 2 ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਸੱਟਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਗੜਾ ਨੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਸਥਿਤ ਕੋਟ ਮੁਹੱਲੇ ਮੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੋ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਆਏ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਕੀ ਬੱਚੀ ਕੇ ਸਾਥ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਮੇ ਚਰਚਾ ਲਗਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਆ ਹੈ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੀ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਨਕੇ ਘਰ ਮੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਹਾ ਥਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਵਹਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਥੇ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੇ ਅੰਦਰ ਸੋ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਨਕੀ ਬੱਚੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਚਿੱਲਾਨੇ ਲਗੀ ਜਬ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰ ਦੇਖਾ ਤੋ ਵਹਾਂ ਪਰ ਬੱਚੀ ਸੰਦਿਗਧ ਹਾਲਤ ਮੇ ਪੜੀ ਥੀ ਔਰ ਰੋ ਰਹੀ ਥੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਸੂਚਿਤ ਕੀਆ ਵਹੀਂ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਥਾਣਾ 5 ਕੇ ASI ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਬੱਚੀ ਕੋ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇ ਲੀਏ ਭੇਜ ਦਿਆ ਹੈ ਤੋ ਵਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਔਰ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋ ਹਿਰਾਸਤ ਮੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਸੀ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ 3-4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਾਲੀ ਇਹ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ ਬਈਏ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਭਈਏ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੀ ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਭਈਏ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਖੰਡ ਪਾਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਚੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਇੱਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਹਨੇ ਦਾਰੂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਪੂਜਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁਰਗੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਮੀਜੀਏਟ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੱਗ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਨੌਨ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 40-42 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰੇਪ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਿਰਫ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਬੱਚੀ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਰਾਜਯ ਭਰ ਮੇ ਲੋਗੋ ਕੋ ਅੱਛੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਗੋ ਕੋ ਖੁਦ ਕਾਰਯਾਲਯੋ ਮੇ ਦਰ ਬਦਰ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪੜੇ ਜਿਸੇ ਲੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਕੇ ਗਾਓ ਥੂਹੀ ਮੇ ਜਨ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੇ ਇਲਾਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇਵਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਓ ਕੇ ਲੋਗੋ ਕੋ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਉਨਕੀ ਔਰ ਸੇ ਜਨ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਮੇ ਏਕ ਹੀ ਛੱਤ ਕੇ ਨੀਚੇ ਲਗਭਗ 20 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਯਾਲਯੋ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਔਰ ਮੌਕੇ ਪਰ ਹੀ ਲੋਗੋ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲੋ ਕਾ ਹੱਲ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ
इस मौके पर एसडीएम नाभा दमनदीप कौर ने कहा कि उन्होंने 20 के करीब विभागों को एक ही छत के नीचे इकट्ठा किया है, जिसका कई गांवों के लोगों को फायदा होगा। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना। आज विधानसभा नाभा के दूही पिंड जन सुविधा कैंप जिहड़ा कि असीं हरेक महीने एक पिंड चलाउने और तकरीबन 8-10-15 पिंड कवर करदे हां। ये कैंप जिहड़ा इहदे विच अलग अलग डिपार्टमेंट जिवें मनरेगा स्कीम के तहत किसी का कार्ड नहीं बनया, शगन स्कीम किसी ने अपलाई की है पैसे नहीं मिले ज नवा अपलाई किसी ने करना, और इस तो अलावा आधार कार्ड की कोई समस्या वो राइट वे ठीक करनी है, तो कच्चे घर के जो पैसे ने जी जिन्हें अपलाई किया है ज नवा अपलाई करना उन्होंने वास्ते पूरी जानकारी। एक वधिया उपराले करने चाहिए ने, साढ़े मान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं एमएलए साहब साढ़े, तो भी यह जो उपराले करते रहना हाँ ये चीज़ बहुत जरूरी है। मिलना एक रिश्तेदार लवे पर दुख सुख च जाने वो कोई फायदा नहीं हो जाता, पर एक हौसला बढ़ता ये आने सा हौसला बढ़िया भी चलो साड़ी बहुत लंबा एरिया कोई ये भी नहीं है भी सा जरूर है कम चालू हो जाए, मतलब ये सू बहुत फायदा हो। हाँ जी हाँ, मतलब एक मुद्दे से किसी मुद्दे से गल होनी चाहिए मेरे कहने का भाव। एंजल्स पैराडाइज स्कूल का 15वां वार्षिक समारोह गुरु नानक देव ऑडिटोरियम अमृतसर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कबीर पार्क, बसंत एवेन्यू, एयरपोर्ट रोड और अजीत नगर स्थित एंजल्स पैराडाइज स्कूल की चारों शाखाओं के 500 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इस दौरान चारों शाखाओं के प्ले पेन के छात्रों ने विविध सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहारों को मनाने के लिए महत्व पर जोर देते हुए शानदार नृत्य भी पेश किया। इस अवसर पर सीएमडी विक्रांत कपूर और प्रिंसिपल मुस्कान कपूर ने कहा कि इन कार्यक्रमों के आयोजन से बच्चों को प्रदान किए जाने वाले मंच न केवल उनमें आत्मविश्वास बढ़ाते हैं बल्कि उनके कौशल को विकसित करने में भी मदद करते हैं ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मुस्कान कपूर है, मैं एंजल्स पैराडाइज की प्रिंसिपल हूँ। आज हमारा 15वां एनुअल इवेंट है गुरु नानक देव ऑडिटोरियम में, और 3 साल के कोविड के लॉकडाउन के बाद आज हम लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं बच्चों की। करीबन 500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है चारों ब्रांचेस से, अजीत नगर, कबीर पार्क, एयरपोर्ट ब्रांच और बसंत एवेन्यू से, और 2000 से भी ज़्यादा ऑडियंस आज एंजॉय कर रही है सारे परफॉर्मेंसेस को। मुझे पूरा यकीन है जैसे हर साल हम दिलों को जीतते हैं, इस साल भी हमारे बच्चे अपने एफर्ट्स और ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस से सबका दिल ज़रूर जीतेंगे। मैं विक्रांत कपूर, डायरेक्टर एंजल्स पैराडाइज प्री स्कूल चेन। आज हमने छोटे बच्चों का अपना 16th मेगा कंसर्ट ऑर्गेनाइज किया है। इसको हम कंसर्ट इसीलिए कहते हैं कि पहली बारी बच्चे जो है अपनी लाइफ में स्टेज पे चढ़ते हैं और 2000 के लगभग ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं और अपना टैलेंट जो है 2-3-4 साल की उम्र की छोटी उम्र में अपना टैलेंट जो है उसको उजागर करके दुनिया को दिखाते हैं। सर हमारे जो बच्चे हैं, सबसे छोटा बच्चा जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अराउंड 1.8 ईयर्स, 1.9 ईयर्स के बच्चों से लेके 6 साल तक के बच्चे भाग ले रहे हैं। आज हमारे जो डिस्टिंग्विश गेस्ट हैं वो हाईकोर्ट के जज हैं मिस्टर मीशू धीर, और आज जितने भी बच्चे हैं अराउंड 500+ हमारे अलग अलग ब्रांचेस के अमृतसर के एंजल्स पैराडाइज के बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हकीम तिलक राज गोल्डन अवार्ड समारोह का आयोजन सूद भवन होशियारपुर में किया गया। ये समारोह वैद्य सुमन कुमार सूद की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर सांसद कमल चौधरी, विधायक राजकुमार चब्बेवाल, डॉक्टर कुलदीप नंदा, डॉक्टर बलविंदर वालिया, महंत वीर प्रकाश, संत बाबा हरकिशन सोडी और बाबा निरंजन दास विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस वर्ष हकीम तिलक राज गोल्डन अवार्ड एसटी अस्पताल के डॉक्टर आशीष कपूर, हकीम तिलक राज कपूर अस्पताल के डॉक्टर नवनीत कपूर और थ्रिल एंड राइट वाटर पार्क के डायरेक्टर अर्पित कपूर की ओर से डॉक्टर समरा को प्रदान किया गया। इस संबंधी जानकारी देते हुए एसटी अस्पताल के डॉक्टर आशीष कपूर ने बताया कि हकीम तिलक राज कपूर अस्पताल सदियों से आयुर्वेद के जरिए लोगों की सेवा करता आ रहा है और इस अवार्ड को शुरू करने का उद्देश्य ये है कि आयुर्वेद का पूरी दुनिया में प्रसार किया जाए। उन्होंने बताया कि हकीम तिलक राज कपूर का एक ही मकसद है, पहला सुख निरोगी काया। इसलिए हकीम तिलक राज कपूर के सुपुत्र एवं एसटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल साइंसेज के चेयरमैन डॉक्टर हरीश कपूर ने इस अवार्ड की शुरुआत की। इस अवार्ड से आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रहे प्रैक्टिशनर्स का
हौसला एवं बल बढ़ता है, जिससे उनमें आयुर्वेद को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाने का जज्बा पैदा होता है। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय धनवंतरी, जय आयुर्वेद। वैद गुरमेज राम बंगे तो अज असी धनवंतरी जी महाराज जी का जो उत्सव मनाया जा रहा है उहदे विच पंजाब दे लगभग सारे वैद इत्थे एकत्र होए आ। भगवंतरी महाराज जी ऐसे वैद होए हन जो कि पूरे संसार दे लई उन्हीं जड़ी बूटियां द्वारा इलाज दस्या। जड़ी बूटियां दा जो इलाज आ इह सब तो ज़्यादा सेफ आ, इस दा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हैगा। जय धनवंतरी, जय आयुर्वेद। मैं सुखविंदर समरा वैद पिंड मजाणी अपरा दे नज़दीक उत्थों बोल रहा। अज धनवंतरी जी के जन्म उत्सव संबंध में तिलकरा हकीम तिलकराज कपूर जी अवार्ड गोल्डन अवार्ड उन्होंने दिता गया। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ इन्हों। दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष कपूर श्री हकीम तिलकराज कपूर जी का पौत्र तुहानू सारिआं नूं यह दसना चाहुंदा वा कि हर साल की तरह इस साल भी असी जिहड़ा अपने ग्रैंडफादर के नाम का अवार्ड श्री हकीम तिलकराज कपूर गोल्डन अवार्ड जो कि हर साल हुशियारपुर के सूद भवन के प्रोग्राम के दौरान दिता जाता वै, अज भी यह अवार्ड जोड़ा वै एक बहुत ही प्रतिष्ठित जोड़ा वैद है उन्होंने दिता गया, वैद समरा जी ने दिता गया। और साढ़े इस अवार्ड न देन का जोड़ा मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि असी आयुर्वेद न डे बाय डे उंचाइया लैके जाना चाहते हैं। जो आयुर्वेद साढ़े पड़दादा ही ने श्री जय किशन कपूर जी ने शुरू किया और अगे चल के साडे ग्रैंडफादर श्री हकीम तिलकराज कपूर जी, फिर साडे फादर साहब श्री हरीश कपूर, श्री योगेश कपूर, उस तो बाद मैं डॉक्टर आशीष कपूर ते नाल मेरे छोटे ब्रदर डॉक्टर नवनीत कपूर जिहड़ा इस अपनी विरासत नूं कैरी ऑन कर रहे हैं। उहदा इही एक मुख्य उद्देश्य सीगा कि इस अवार्ड दे नाल असी जिन्ने भी इंडिया दे विच वड्डे पद्धर ते आयुर्वेद नूं बढ़ावा दे रहे जिहड़े वैद हकीम ने उहनां दे विच एक उत्साह भरीए ताकि उन्हां दे विच भी आयुर्वेद नूं होर अगे वधाउण दा जिहड़ा वा जज्बा पैदा होवे। सो मैं तुहानूं सारिआं नूं भी यही कहना चाहुंदा वा कि अपना जिहड़ा दिनचर्या वै वह आयुर्वेद तो ही शुरू हुंदी है और आयुर्वेद एक इदां दी पैथी है जिहदे विच कोई साइड इफेक्ट्स नहीं ने। सो दोस्तों, आयुर्वेद दे ज्ञाता जिहड़े साडे लई आयुर्वेद दे ज्ञाता सीगे श्री हकीम तिलकराज कपूर जी साडे ग्रैंडफादर, उन्हां दे नाम नूं होर उंचाइयां ते आपां लै के जाणा चाहुंदे हां और इसे लई हर साल आपां जिहड़ा हकीम तिलकराज कपूर गोल्डन अवार्ड है वह दिंदे हां। और इस अवार्ड दे विच जिहड़ा मेन इंपोर्टेंस है इस अवार्ड की वह यही है कि आयुर्वेद नूं होर उंचाइयां ते लैके जाया जाए। नमस्कार जी, मैं योगेश गुप्ता गुड़गांव से। मुझे इस बार हकीम तिलकराज कपूर की तरफ से जो गोल्डन अवार्ड शो होते हैं उसमें इनविटेशन दिया अपने बड़े भाई साहब ने, कपूर भैया ने, और मैं यहाँ पर आया और मुझे यहाँ देख के ये महसूस हुआ कि आयुर्वेद में कितनी दुनिया अब आयुर्वेद को फॉलो कर रही है। एलोपैथिक तो है ही है बट एलोपैथिक के साथ साथ अब आयुर्वेदिक को बढ़ावा मिल रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि जो ये कपूर फैमिली आयुर्वेद के साथ इतना बढ़ चढ़ के इसकी प्रमोशन या इसके फ़ायदे लोगों को बता रही है तो ये आने वाले टाइम में इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस हो, इनका नाम हो, इनकी दवाइयाँ अभी भी बहुत सारी कंट्रियों में जाती भी है। मोरिंडा शहर में दो अंडर ब्रिज और एक ओवर ब्रिज होने के बावजूद भी भारी वाहन छोटे रेलवे फाटक से गुजरते हैं जिस कारण फाटक पर जाम की समस्या पैदा होती है। तो वहीं वहां के गेटमैन को भी रेल आने पर गेट बंद करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 6 महीने पहले फाटक पर जाम लगने के कारण एक प्रवासी मजदूर की ट्रक की फेट लगने के कारण मौत भी हो गई थी। इसलिए लोगों ने प्रशासन से जल्द इस समस्या का हल करवाने की मांग की है। यहां गेट दी ड्यूटी करदा जी फाटक नंबर 23 सी मोरिंडा घुमट वाला फाटक इन्हां नूं लोकी कहंदे आ जी। इत्थे एक अंडर ब्रिज दो अंडर ब्रिज ते एक ओवर ब्रिज बनया होया जी ते जिहड़ी बारी वाहन हैगी ट्रैफिक वो इधरों ही आती है फाटक को, उन्होंने प्रशासन दूसरी जगह कढ़ने की कोई कोशिश नहीं करता। सवेरे स्कूल के जोड़े बच्चे हैं उस बड़े तंग होंगे, गड्डिया हो 4-5 गड्डिया होंगे जी, सवेरे 5-6
तो वो बाद स्कूल के बच्चे यहाँ वेट करी जाते हैं, आपको टेंशन रही भी बच्चों स्कूल कितना भेजिए, ठीक है जी। वो बाद कोशिश करो प्लीज़ भी इतने बाहरी वाहन ना आए। जे कोई इस तरह का इशू हैगा भी हैवी ट्रैफिक करके कोई दिक्कत आ रही है तो मैं ट्रैफिक पुलिस न और DSP साहब न कह दूंगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उत्थे जरा ट्रैफिक पुलिस के कोई जो इंपलॉयज लगा दें ता कि जरा हैवी ट्रैफिक न डाइवर्ट कर सकन ते वो इशू न असी सॉर्ट आउट करा दें। सर वैसे देखने भी आया भी अपने ट्रैफिक पुलिस की भी काफ़ी कमी है जी, सिर्फ दो मुलाजम ही शहर के ट्रैफिक पुलिस से काम कर रहे हैं, कोई प्रशासन तो मांग की जाए ट्रैफिक पुलिस और दिए जाए शहर में जी। असं टेकअप कर लाँगे वो भी, असं DC साहब को रिक्वेस्ट करा और SSP साहब को कि सू होर इंपलॉयज मिल जाए। हाँ जी सर, क्या नाम है थोड़ा? मेरा शिव नारायण गेटमैन है जी, मोरिंडे का 23 नंबर गेट पर ड्यूटी रहती है मेरी, और यहाँ से मेरे को प्रशासन से यही हाथ जोड़ के विनती है कि यहाँ से बड़ा व्हीकल नहीं निकलना चाहिए, छोटी गाड़ियाँ जितनी मर्जी निकले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हादसे होते रहते हैं, डेली का काम है, कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी मोरिंडा मंडल की ओर से गुजरात में पार्टी को मिली जीत की खुशी में शहर में लड्डू बांटकर खुशी मनाई गई। इस मौके पर मंडल प्रधान जितेंद्र गुंबर और श्री चमकौर साहिब से प्रभारी अमनप्रीत कौर सहित सभी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज बहुत खुशी का मौका है साडे लई, रिकॉर्ड तोड़ जित गुजरात दे विच जिहड़ी श्री नरेंद्र मोदी जी की रहनवाई हेठ हुई है, उन्होंने कहा सी भी भुपिंदर नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेगा और वह तोड़ के दिखाया। इस दी बधाई असी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम नू, नैशनल लेवल की टीम नू खासकर बधाई देने हैं और पूरे हिंदुस्तान की हर BJP की वर्कर नू बधाई देने हैं। ये बड़ा खुशी का मौका है भी इस तरह के जड़े सानू मौके मिलते हैं खुशी के, वो बार बार मिलते रहन। ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ BJP ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जय माँ चिंतपुर्नी यूथ सोसाइटी की तरफ से 10वीं वार्षिक माता की विशाल चौकी साईंदास स्कूल के सामने बस्ती 9 में श्रद्धा पूर्वक करवाई गई। इस माता की चौकी में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विच, विधायक रमन अरोड़ा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जबकि भाजपा नेता प्रदीप खुल्लर, आप नेता राचन अंगुराल, भाजपा नेता मोहिंदर भगत, पंचवटी मंदिर बस्ती गुजरा के प्रधान लक्की मल्होत्रा ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस दौरान आए हुए गणमान्यों ने सोसाइटी के सदस्यों एवं माँ भक्तों को धार्मिक आयोजन की बधाई दी। इससे पहले चौकी में गायक कुमार सोनू एंड पार्टी ने देर रात तक माँ भगवती का गुणगान कर भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर सतपाल पप्पू, तीर्थ थापा, विनोद भगत, आशु यादव, मनी अरोड़ा, दमनत्री, राहुल सहित असंख्य माँ भक्त शामिल हुए। माता की चौकी में आए हुए माँ भक्तों के लिए लंगर प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए दविंदर की रिपोर्ट। I'm not gonna be a man.
तारण के थाना सरहाली में हुए आरपीजी के हमले के बाद पुलिस विभाग की ओर से नेशनल हाईवे पर स्थित थानों की सुरक्षा के प्रबंध सख्त कर दिए गए हैं। नेशनल हाईवे नंबर 7 पर थाना कैंट में भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध बठिंडा पुलिस द्वारा किए गए हैं। इस मौके पर थाना प्रभारी पारस सिंह चाहल ने बताया कि नेशनल हाईवे पर स्थित होने के कारण उनकी ओर से थाना में सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, जिसके चलते थाने के बाहर मोर्चाबंदी कर असले सहित कर्मचारी तैनात रहते हैं। इसके साथ ही नेशनल हाईवे पर बैरिगेडिंग करके असले के साथ कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं, जिनकी ओर से आने जाने वाले पर पैनी नज़र रखी जाती है। उन्होंने कहा कि उनका थाना सिविल और आर्मी के अधीन आने के कारण पटियाला फौज के अधिकारियों के साथ भी समय समय पर बैठकें होती रहती हैं। उनकी ओर से भी अपनी टीमों के साथ पुलिस का सहयोग दिया जाता है और आर्मी एरिया में गश्त की जाती है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोई भी घटना घटित होती है तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी जाए, ताकि समय रहते कार्यवाही कर गलत तत्वों को पकड़ा जा सके। जो भी साढ़े सीनियर ऑफिसर्स दी हदायतों अनुसार साडा जो पुलिस स्टेशन कैंट है ये मेन बठिंडा चंडीगढ़ हाईवे पर पैंदा, जो भी साढ़े ऑफिसर्स दी मानयोग SSP साहब दी मानयोग DGP साहब दी हदायतों अनुसार जो भी थाने दे विच जो लोड़िंदा प्रबंध है वो साडे वल्लों कीते गए है। प्रॉपर लाइटनिंग है जी, साढ़े को मोर्चा वगैरह कंस्ट्रक्ट है, असी प्रॉपर चैकिंग रखते हैं मेन हाईवे के उपर विद वैपन, साढ़े बंदे 24 घंटे तैनात रहेंगे है, तो साढ़े को बुलेट प्रूफ मोर्चाज वगैरह भी है, सब कुछ है थाने के अंदर तैनात है। जो भी है दूरी जिम्मेवारी है कैंट नूं लैके कि सिविल नूं लैके, फिर किस तरह का जिहड़ा हैगा तुहाडा तालमेल आपस विच असी इन्हां दे कंटोनमेंट दे जो भी सीनियर ऑफिसर्स है इन्हां नाल गलबात करके जो भी इनफॉर्मेशन कोई इन्हां कोल हुंदी है जां साडे कोल हुंदी है असी आपस च राबता प्रॉपर रखदे हां जी, ते इन्हां दीआं QRT टीम्स वगैरह जां इन्हां दे प्रॉपर नाके भी लगदे है, उन्हां नाल कोआर्डीनेट करके असी जो भी है असी एक दूजे दी हैल्प नाल असी बिल्कुल ये चीज़ नूं टैकल करदे हां। लोकां नूं की अपील करना चाहुंदे? लोकां नूं यही अपील करना चाहुंदे हां भी कोई माड़े आंसर है जां गलत है, देखो माड़े आंसर दा मकसद यही हुंदा भी लोकां दे मन दे विच डर पैदा करना जां माहौल खराब करन दे उहदा। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। CIA स्टाफ जालंधर की टीम ने 2 नशा तस्करों को किया काबू, 510 ग्राम हेरोइन की बरामद। नाभा के बोड़ा गेट के नजदीक 6 नौजवानों ने स्ट्रीट कैफे में घुसकर 3 युवकों को किया घायल, उपचार हेतु सिविल अस्पताल में भर्ती। जालंधर के बस्ती शेख स्थित इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने, चाचा ने 6 वर्षीय बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।